नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। और सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा फैसला ने झारखंड में कहें तो पारा शिक्षकों को तगड़ा झटका दिया है, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र को, बिहार में नियोजित शिक्षकों को। और ये झटका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले 10 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सूरत में पारा शिक्षक अथवा नियोजित शिक्षकों को या शिक्षा मित्र को अस्थायी नहीं किया जा सकता है। 10 मई के बाद एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी और इसमें अगस्त के अंतिम सप्ताह में यह फैसला आ गया। फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुरानी दलील नहीं चलेगी और लगभग 3 लाख शिक्षक जो है बिहार में और झारखंड में 67,000, उत्तर प्रदेश में 4 लाख शिक्षक, ये सारे लोगों को हम वो सुविधा नहीं दे सकते जो परमानेंट शिक्षकों को दिया जा रहा है। इसके पहले पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन वाला जो फार्मूला है शिक्षकों पर लागू होना चाहिए और इस लिहाज से शिक्षकों को पूरा पेमेंट मिलना चाहिए था। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जग गई थी कि जल्द ही राज्य सरकार सभी लोगों को पेमेंट देगी, लेकिन बिहार सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दिया कि इससे सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए वो देने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट ने दलील को सुना। बिहार सरकार ने यह भी कहा कि अगर ये फैसला दे दिया जाता है तो इससे भारत के दूसरे राज्यों में भी आंदोलन तेज हो जाएगा और सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार नियोजित शिक्षकों के मामले में 70% पैसा देती है, राज्य सरकार 30% देती है। ऐसे में केंद्र सरकार भी बिहार सरकार के साथ खड़ी है। और आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया और कहा है कि अब वो नियोजित शिक्षकों को किसी भी हालत में समान काम का समान वेतन नहीं दे सकती है, ना ही परमानेंट करने के लिए बोला जा सकता है। इसके पूरा असर झारखंड में पारा शिक्षकों पर पड़ेगा। पारा शिक्षकों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, अभी भी आंदोलन जारी है और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो पारा शिक्षकों को निश्चित रूप से बैकफुट में जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके पहले भी जब 10 मई को यह फैसला आया था उसके तुरंत बाद में अमृत प्रताप सिंह जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके दूरगामी असर होंगे। और फिर अगस्त के अंतिम सप्ताह में 28 अगस्त को जब यह फैसला आ गया तो इस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में अब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला अब फिर से नहीं जा सकता, ये जो सुनवाई है ये फिर से शुरू नहीं हो सकती है। पुनर्विचार याचिका में हार जाने के बाद शिक्षकों का मनोबल थोड़ा सा जरूर गिरा होगा, लेकिन सरकार के ऊपर पूरी उम्मीद, अगर सरकार चाहे अभी भी तो एक कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित करके पारा शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जा सकता है या फिर उन्हें परमानेंट करने की दिशा में कोई सुनवाई भी की जा सकती है। ये पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी होगी ये राज्य सरकार की होती है। पुनर्विचार याचिका जब खारिज हो गया तो इसमें जस्टिस जो थे यू ललित और जस्टिस AM स्प्रे की खंडपीठ ने कहा कि वह अपने पुराने फैसले पर कायम है, पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता, ऐसे में फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ही कहा था कि समान वेतन की मांग गलत है और इसे खारिज कर देना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के पुनर्विचार याचिका जब दाखिल हुआ था तो इसके फैसले के बाद समान काम के लिए समान वेतन की उम्मीद अब पूर्ण रूप में खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि समाज में सबसे बड़ा वर्ग टीचर का है और टीचर से ही किसी समाज को सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, एजुकेशन को अपलिफ्ट करने की जरूरत है और देश में किसी भी पद पर कोई जाते हैं तो शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में शिक्षकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये उत्साहवर्धक फैसला नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसका सम्मान सभी लोग करेंगे। जबकि पटना हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया था उस समय में फायदा नजर आया था। अब देखिए नियोजित और नियमित शिक्षकों में क्या अंतर है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले में बिहार सरकार के इस दलील को स्वीकार कर लिया गया था जिसमें सरकार ने कहा था कि नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया अलग अलग है, ऐसे में समान काम के बदले समान वेतन का कोई आधार नहीं बनता है। बिहार सरकार ने यह भी दलील दिया था कि इतना बड़ा पेमेंट देने से सभी लोगों को दिक्कत होगी, खास करके राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, जो देने में वो सक्षम नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार वाली जो मुद्दा है ये कैसे इसका, इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि राज्य में इस समय झारखंड सरकार की अगर बात की जाए तो झारखंड सरकार भी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करने का कोई मूड नहीं दिखा रही है और ना ही
वो पेमेंट देने के बारे में विचार कर रही है जो नियमित शिक्षकों को दिया जा रहा है। जाहिर सी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका पर की गई टिप्पणी के बाद में झारखंड में जो हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। झारखंड सरकार थोड़ी फ्रंटफुट में आ जाएगी और पारा शिक्षकों का आंदोलन थोड़ा सा यहाँ पर उतना ज्यादा मतलब हम कहेंगे कि अब थोड़ा सा डिस्करेज होगा ये, क्योंकि अब सरकार ही खुद कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा कहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ आप बने रहिएगा, जो सच्ची वाली खबर होगी उसका विश्लेषण आपको यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो लोग जेपीएससी जेएसएससी और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि अभी जो हमारे ऑफर वाली क्लासेस चल रहे हैं जमशेदपुर में, रांची में और दूसरे अलग अलग शहरों में इंक्लूडिंग दिल्ली और शिमला, आप वहां पर दाखिला लेकर के अपने आप को तैयार कर सकते हैं आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। झारखंड में सीजीएल परीक्षा जो जेएसएससी लेगी और जेपीएससी परीक्षा दोनों होने वाली है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।